सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें हम कुछ एसेसरीज इंस्टॉल करने वाले हैं अपने डोमिना 400 में। जो फ्रंट सस्पेंशन होता है आपकी बाइक में, चाहे वो डोमिना 400 हो, KTM हो, RC हो, 390, 200, तो उसमें जो फ्रंट सस्पेंशन होता है, जो अपसाइड डाउन फॉक्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एसेसरीज मैंने ऑर्डर की है। आई होप आप लोगों के भी काम आएगी। तो देखते हैं आज उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है और कैसा लुक आता है बाइक का इसको लगाने के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सी एसेसरीज ऑर्डर की है। तो मैंने जो ऑर्डर की है वो है, तो सारे प्रोसीजर को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर है रोड रैश कंपनी का, ये बिल्कुल अभी सील पैक्ड है जिसमें अभी इसको खोलना है। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है फॉक्स लाइटर। अब ये कहाँ फिट होने वाला है इसको मैं दिखा देता हूँ। तो ये खड़ी है अपने डोमिना 400, यहाँ खड़ी है। तो यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए ये है यहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन। और फ्रंट सस्पेंशन में इस साइड पर ये जो एक्सल देख रहे हैं, जहाँ पर बाइक के फ्रंट टायर में जो एक्सल डलता है, यहाँ पर ये फिट होने वाला है। और ये क्या करेगा, आपके जितना भी फ्रंट फॉक है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो फटाफट से इसको फिट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कि किस किस तरीके से ये इंस्टॉल होने वाला है। तो एक हो जाएगा इस साइड में फिट। तो ये है हमारे पास दोनों फॉक। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास दो बोल्ट्स हैं। एक है 13 नंबर का बोल्ट और दूसरा है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 5 या 6 नंबर का बोल्ट है। तो देखिए लेफ्ट साइड में इस वाले बोल्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिधर हमारा डिस्क होता है, इधर आएगा हमारे पास ये वाला बोल्ट जो बड़ा बोल्ट है, क्योंकि यहाँ से बड़ा बोल्ट निकलेगा 13 नंबर का, तो उसको प्लेस करेगा ये, क्योंकि ये एक्सल को होल्ड करने का काम करता है। और दूसरा बोल्ट जो है ये वाला है जो राइट साइड में फिट होगा। तो फटाफट से देखते हैं इसको। तो गाइज़ हमें सबसे पहले क्या करना है कि अपने टूल किट में से इस तरीके का एक स्पैनर लेना है, जो लेफ्ट साइड में आपका पोर्शन है उसको ये ओपन करने का काम करेगा। तो सबसे पहले हमें इस बोल्ट को ओपन करना है और इस बोल्ट को निकालने के बाद ही हमारा फॉक्स लाइटर यहाँ पर फिट हो पाएगा। पहले मैं फटाफट से इसको निकाल लेता हूँ। इस तरीके से आपको इसको बाहर निकालना है और आप कोई भी 12 नंबर की यूज़ कर सकते हो इसको निकालने के लिए, कोई भी स्पैनर यूज़ कर सकते हो। वैसे तो आपकी बाइक में जो टूल किट है उसी में से आपको ये मिल जाएगा। तो यार यहाँ देखो ये बोल्ट हमारा बाहर आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल्ट है यार, आप इसको संभाल के रख सकते हैं। फर्दर अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो ये बोल्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमारे पास में क्या है, फॉक्स लाइटर है। अब देखिए इसके साथ दो स्क्रू आए हैं, एक बड़ा वाला स्क्रू है और एक छोटा वाला स्क्रू है। तो ध्यान रखना जिस साइड भी आपका डिस्क है या लेफ्ट हैंड साइड पर आपका ये 13 नंबर का बोल्ट टकने वाला है, इसको आपको इस तरीके से डालना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर एलन की का यूज़ करना है। और एलन की कौन सी यूज़ होगी, यहाँ पर 30 नंबर की एलन की यूज़ होगी। ये वाली एलन की आपकी परफेक्ट फिट हो रही है, देख सकते हो आप। तो आपको इसको यहाँ प्लेस करना है, डायरेक्ट फिट हो जाएगा आपके। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आप इसको अपने आराम से घर पर फिट कर सकते हो। और ये मैंने ऑर्डर किए हैं रोड रैश, इसका जो लिंक है अगर आपको परचेस करना है तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको अमेजोन से भी परचेस कर सकते हो। ध्यान रखना है इसको बहुत अच्छे से टाइट करने का ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एक्सल को होल्ड करके रखता है। तो मेक श्योर आप इसको बहुत अच्छे से इसको टाइट करें। अब यार देखिए, अब एक साइड का हमारा फिट हो गया है। एक बार और श्योर कर लेते हैं कि अच्छे से टाइट है या नहीं है। बिल्कुल परफेक्टली यहाँ से फिट हो चुका है हमारा ये। अब आप देख सकते हो कि इसका लुक भी बढ़ गया है और ये कम से कम 2 इंच बाहर आ गया है आपके सस्पेंशन से, जिससे आपके सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। जल्दी से फिट कर लेते हैं दूसरी साइड का। ये रहा आपका दूसरी साइड, यानी कि ये राइट साइड है बाइक की। अब यहाँ से आपको ये ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये एक्सल में फिट हो जाएगा। ये बोल्ट आपको इसमें डालना है एंड यू आर रेडी टू गो। तो यार ये परफेक्टली अलाइन हो चुका है, बस अब इसको टाइट करना है। इस लोगो को आप ऊपर रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जहाँ भी आपको पसंद आता है। तो बहुत ही आसान सा प्रोसीजर था, सारे टूल किट आपको अपनी बाइक के से ही मिल जाए अगर आपके पास टूल बॉक्स नहीं है तो। बाहर जाने की जरूरत नहीं है और ये फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। बस मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, इसको अच्छे से टाइट करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से टाइट नहीं करोगे तो ये वाइब्रेशन से जो है निकल सकता है। तो गाइज ये है अपने डोमिनार और यहाँ पर जो है फ्रंट फॉक्स जो स्लाइडर बोलते हैं इनको, ये इंस्टॉल हो चुके हैं। और आप लुक देख सकते हो बाइक का कितना ज़बरदस्त हो गया है। ये भी बिल्कुल स्टडी हो गया है और इधर वाला भी स्टडी हो गया है। तो ये जो है प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे आपके इस वाले पार्ट को। और इधर जो कैलिपर्स होता है, आपका ब्रेक कैलिपर होता है, सस्पेंशन होता है, ये इधर दोनों को रोकने का काम करेगा। तो फाइनली इंस्टॉल हो चुके और लुक आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त हो गया अपनी बाइक का। सो गाइज ये था हमारा आज का एक छोटा सा ब्लॉग, जिसमें हम लोगों ने चेक किया कि किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं अपने डोमिनार में या और किसी बाइक में जिसमें भी फ्रंट अपसाइड डाउन फॉक्स लगे हैं, उसमें स्लाइडर को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, एक शॉर्ट सा ब्लॉग था। पूरी एक डिटेल वीडियो में लेके आऊँगा क्या क्या मॉडिफिकेशन मैंने की है अपनी बाइक में। तो स्टे ट्यून्ड और इसके सब्सक्राइब शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे आपसे एक नए धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।